नमस्कार दर्शकों, ग्रैंड एशियन की खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम दिल हृदय इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मनुष्य का सबसे ज्यादा अगर मजबूत और जरूरतमंद अंग कहलाता है तो वो है हृदय, दिल। दिल के भरोसे ही इंसान की सांसें चलती है और वो जीवित रहता है, और जीवित होने का प्रमाण भी वो देता है अच्छे कार्य करके। तो हम तो ये जानना चाहेंगे आज कि हृदय रोग संबंधी रोग क्या है, और हृदय जो हमारे शरीर पर कार्य करता है वो किस तरह करता है। इसके लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर शेखर ताम्रकर को। जी हाँ, ये BMS हैं और प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और अपनी सेवाएं इन दिनों द हार्ट बीट हेल्थ केयर में दे रहे हैं, जो कि पद्मनापुर में संचालित होता है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अभी फिलहाल देश में दिन प्रतिदिन हृदय रोगियों की तादाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आंकड़ा ये बताता है कि विश्व में होने वाली कुल मौतों में 30% मौतें केवल हृदय रोग से होती है। इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं, तो इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी मैम, देखिए, हृदय रोग कहने का मतलब होता है हृदय में बहुत सारी ऐसे रोगी होती है, लेकिन अगर इसमें हम हृदय रोग में जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाली हृदय रोग है वह है हार्ट ब्लॉकेज, वह हार्ट फेलियर। अगर इसे मैं आसान भाषा में बोलना चाहूँ तो यदि हमारे पास 10 पेशेंट आते हैं, उसमें से 8 पेशेंट जो होते हैं वह हार्ट ब्लॉकेज के और हार्ट फेलियर के होते हैं। बाकी जो 2 पेशेंट होते हैं, किसी को वॉल्व का इशू रहता है या फिर किसी को दिल में छेद एक बीमारी होती है जो जन्मजात होती है, यह सब बीमारियां होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस हार्ट डिसीज में हार्ट फेलियर का ही होता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक के प्रारंभिक लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हार्ट अटैक आने वाला है? हार्ट अटैक के जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वह मोस्ट ऑफ द पेशेंट में सबसे सामान्य लक्षण जो देखा जाता है वो होता है छाती में दर्द होना। छाती में दर्द होना लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है, और यह दर्द आपका रेडिएट करते हुए जॉ पे जाता है, लेफ्ट शोल्डर पे जाएगा या लेफ्ट हैंड पे जाएगा। ये एक सामान्य लक्षण होता है, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसे हम नजरअंदाज करते हैं, जैसे कि सीढ़ी चढ़ने पे या दौड़ने पे हमारी सांस का फूलना, या फिर जिसे हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ कहते हैं या डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग कहते हैं। इसके अलावा हमें एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, कभी कभी ऐसा लगेगा कि हमें डेथ फियर जिसको बोलते हैं कि अब मैं रहूं या ना रहूं, अगर ऐसी कंडीशन हो तो हमको समझना चाहिए कि ये हार्ट अटैक का लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उसको अत्यधिक पसीने का रिसाव होता है, उनका धड़कन जो है सामान्य से अधिक या कम हो जाता है, यह सब जो लक्षण होते हैं हृदय रोग के हार्ट अटैक के प्रारंभिक लक्षण माने जाते हैं। क्या इस दौरान पर पैरालिसिस भी अटैक मार सकता है? जी, पैरालिसिस और हार्ट अटैक को हम समझे तो एक ही कॉसेस के बीमारी समझ सकते हैं। अगर वो आपका ब्लॉकेज हार्ट पे हुआ तो हम हार्ट अटैक बोल सकते हैं, अगर वही आपकी जो ब्लॉकेज आपकी ब्रेन पे हुई, ब्रेन की एट्री में हुई, तो उसे हम पैरालिसिस अटैक बोल सकते हैं। हार्ट अटैक का मेन कारण ब्लॉकेज होता है, तो ये ब्लॉकेज कैसे होता है? देखिए, ब्लॉकेज बनने का कारण होता है मैम हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो खान पान है, इसी पे अगर हम अच्छे से फॉलो ना करें तो ये आगे चल के हार्ट अटैक का कारण बनती है। जैसे कि अगर हमारा लाइफ सेडेंट्री है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हमारे खान पान में हम अल्कोहल का सेवन ज़्यादा है, स्मोकिंग का कंजप्शन ज़्यादा है, या फिर ऑयली फूड या फिर पैक्ड फूड का हम कंजप्शन बहुत ही अधिक मात्रा में करते हैं, तो हमें ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलती है जो धीरे 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 आपका हार्ट अटैक का एक रूप ले लेती है। डॉक्टर साहब, आपने भी बताया कि हार्ट अटैक के लक्षण में एक जो चेस्ट में पेन होना बताया जी। तो कई बार ऐसा होता है कि गैस की वजह से भी पेन होता है पेशेंट को जी। और वो इसी उसमें रहता है कि उसको गैस का हो रहा है, वो इस बात को नजरअंदाज कर देता है कि उसको अटैक है या फिर गैस का है, और वो एक बड़ी बीमारी को समझ जाए, मुसीबत को आमंत्रित कर देता है। तो कैसे पता चलेगा कि वो गैस का है या फिर उसको हार्ट अटैक आया है? जी मैम, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। अधिकतर हम इंडिया में रहते हैं, हमारे इंडिया में अधिकांशता यही सोचते हैं कि अगर हमें छाती में दर्द हो रहा है तो ये गैस का ही होगा, लेकिन हर टाइम गैस का दर्द नहीं होता। इसको डिफरेंशिएट करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपको हार्ट का पेन है तो वह अराइज, मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड पे सेंट्रली अराइज होगा, लेकिन हर केस में लेफ्ट साइड पे ही अराइज हो ऐसा जरूरी नहीं है, सेंट्रली भी अराइज हो सकता है, कभी कभी राइट साइड ऑफ द चेस्ट भी अराइज हो सकता है। लेकिन इसका जो पेन होता है मैम, ये रेडिएटिंग रहता है, कहने का मतलब होता है एक जगह से स्टार्ट होगा, आपके वो ऊपर जाते हुए गले पे आएगा, जबड़े पे आएगा, साथ ही साथ वो आपके हाथ पे जाता है, लेकिन गैस के पेन में ऐसा नहीं होता। अगर गैस का पेन है तो वो आपका मूवमेंट करेगा, लेकिन आपका ऐसा रेडिएटिंग करते हुए नहीं जाएगा। ये हुआ पहला डिफरेंस। दूसरा अगर डिफरेंस मैं बोलूं तो जो हार्ट का पेन होता है मैम,
अगर आप एक्सर्शन मोड पे जाते हैं, कहने का मतलब भाई आप कुछ वर्क करते हैं, उस टाइम पे आपका जो हार्ट चेस्ट का पेन रहेगा वो एलिवेट हो जाएगा या बढ़ जाएगा। आपका हार्ट का पेन वो जैसे ही आप रेस्ट मोड पे जाओगे वो कम हो जाएगा, एक्सर्शन पे जाओगे तो बढ़ जाएगा। लेकिन गैस का पेन रहा तो आप रेस्ट करो या फिर एक्सर्शन करो, वो एज इट इज बना रहेगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं गैस के पेन पे और हार्ट के पेन पे। जैसे मान लो ब्लॉकेज बन गया हो, हार्ट फेल हो रहा हो, तो इसका इलाज केवल क्या सर्जरी संभव है या फिर इसका इलाज अलग से किसी पद्धति से संभव है? जी बिल्कुल नहीं। आजकल हमारी जो मेडिकल साइंस है बहुत ही एडवांस हो चुकी है। जी हाँ, लेकिन बहुत सारे केसेस में सर्जरी की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं ऐसा 100% नहीं कहूंगा कि सर्जरी इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। इसके अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जैसे कि ईईसीपी ट्रीटमेंट है, इसके साथ ही साथ हृदय पंचकर्म भी होता है। ये सब ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है जिसपे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती। ये टोटली नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है हार्ट डिजीज के। अभी आप वर्तमान में पद्मनापुर में संचालित हार्ट केयर सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं, तो वहाँ पर एक पद्धति का नाम सामने आया है, या आप उस पद्धति से ट्रीटमेंट करते हैं, ईईसीपी पद्धति। ये क्या पद्धति है और इससे इलाज कैसे संभव है? ईईसीपी एक डिवाइस का नाम है जिसे हम ईईसीपी ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ईईसीपी का फुल फॉर्म होता है एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। यह अगर बेसिकली हम देखें तो एंजियोजेनेसिस की पद्धति पे काम करता है। एंजियोजेनेसिस क्या होता है? छोटी छोटी नई नई आर्टरियों का डेवलपमेंट को ही हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो हार्ट अटैक होता है हार्ट की आर्टरी में ब्लॉकेज आने की वजह से होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर हार्ट की आर्टरी में, अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आ गई तो आगे ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। उसी को फुलफिल करने के लिए ईईसीपी वर्क करता है, जो छोटे छोटे नई नई आसपास की ब्लॉक्ड एरिया के आसपास के एरिया में छोटी छोटी आर्टरियों को डेवलपमेंट करता है, इसको ही हम ईईसीपी कहते हैं। तो कैसे पहचान किया जाएगा कि हार्ट अटैक आने के बाद में ब्लॉकेज है, या इस पद्धति के इस्तेमाल करने के बाद में या इसको अपनाने के बाद में जो पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा पेशेंट? जी देखिए, ये एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ईईसीपी, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें लाइफस्टाइल पे चेंजेस करने पड़ते हैं, डाइट पे मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो ये बीमारी हुई है आपके खान पान की वजह से, आपके दिनचर्या में कुछ भी बदलाव या फिर संतुलित ना होने की वजह से यह बीमारी हुई है। इसी को ही हम ठीक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ईईसीपी, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइट मॉडिफिकेशन पे। तो फिर डाइट के लिए आप न्यूट्रिशन की सलाह भी ऐसे पेशेंटों को देते हैं? जी मैम, हमारे द हार्टबीट हेल्थ केयर सेंटर में डॉक्टर भावना जायसवाल मैम है जो आयुर्वेदिक डाइट एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वो कार्डियक डाइट पे ही वर्क करती हैं। जितने हमारे पेशेंट्स होते हैं उनको कार्डियक डाइट अकॉर्डिंग टू देयर क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड वेट और हाइट के हिसाब से उनका डाइट प्लान हमारे यहाँ सेटअप किया जाता है। ईईसीपी पद्धति जो है उस पे आप ब्लॉकेज हार्ट का दूर होता है, ब्रेन के ब्लॉकेज हटे, उसके लिए पद्धति ईईसीपी काम नहीं करेगी? काम करेगी, डेफिनेटली वर्क करती है ये। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे हमारे इंडिया में सिटीज हैं जो हार्ट के अलावा जो पैरालिटिक अटैक वाले पेशेंट होते हैं उनका भी ट्रीटमेंट ईईसीपी से करते हैं और उनको रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिले हैं। एंजियोग्राफी क्या कहलाता है और हार्ट के लिए क्या जरूरी है इसके लिए? जी, एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है, एक ऐसी जाँच है जिसपे हम पता लगाते हैं कि आपकी हार्ट की मसल्स को सप्लाई होने वाली जो नसें रहती हैं उसमें कितने परसेंट की ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज कहाँ पे है, उसका नेचर कैसा है, इसको पता लगाने के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। ये सर्जिकल भी होता है, लेकिन आज के हम मॉडर्न डेज पे देखें तो नॉन सर्जिकल भी अवेलेबल है। अभी आपने एंजियोग्राफी के बारे में बताया, तो सर्जिकल और नॉन सर्जिकल इसको आप क्लियर करें। देखिए मैम, एंजियोग्राफी जो होती है दो प्रकार की होती है, एक सर्जिकल होता है एक नॉन सर्जिकल। सर्जिकल जो होता है जिसके लिए हमें पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में कम से कम 1 से 2 दिन के लिए। सर्जिकल के लिए भी, नॉन सर्जिकल के लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसका नॉर्मल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि उसका ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, उसका हार्ट रेट 65 से कम होना चाहिए, सीरम क्रिएट की जो लेवल होती है वो 1.2 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये जो पैरामीटर मैंने बताया नॉन सर्जिकल के लिए भी और सर्जिकल दोनों के लिए अप्लाई होती है। बट नॉन सर्जिकल जो एंजियोग्राफी होता है उसे हम बोलते हैं सिटी एंजियोग्राफी। हमारे दूर भिलाई शहर में भी आ चुका है सिटी एंजियोग्राफी, लाइफ केयर में अवेलेबल है, सिटी डायग्नोसिस में अवेलेबल है। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, ज़्यादा कॉस्ट इस पर लगता नहीं है एज कम्पेयर टू सर्जिकल एंजियोग्राफी। आपको वैसे ही एक्यूरेसी मिलती है आप सिटी एंजियोग्राफी पे जितनी एक्यूरेसी आपकी सर्जिकल एंजियोग्राफी पे होती है। अगर मैं सिटी एंजियोग्राफी की बेनिफिट्स की बात करूं
तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये नॉन सर्जिकल है, नॉन इन्वेसिव है, इसमें किसी भी प्रकार की एडमिशन की आवश्यकता नहीं होती। बस आपको आवश्यकता अगर होती है तो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, सीरम क्रिएटिनिन लेवल की नॉर्मल होने की, बस यही इसकी आवश्यकता है। अगर इसकी कॉस्ट के बारे में बात करूँ तो पैन इंडिया पे 8,000 से 12,000 में हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है इंडिया के। अभी आपने एंजियोग्राफी के बारे में बताया, तो एंजियोग्राफी में अगर मान लो किसी पेशेंट को डॉक्टर ने बोला कि एंजियोप्लास्टी कराएं या फिर बाईपास सर्जरी, तो क्या वो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी से बचाव कर सकता है ईसीपी पद्धति को अपना करके? जी देखिए, 100% हम बचा सकते हैं, सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसपे सर्जरी का सहारा हमको लेना ही पड़ता है। जैसे कि हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसकी मेन अगर हम ब्रांचेस देखें तो 3 मेन ब्रांचेस होते हैं, RCA, LAD, LCX। और LAD, LCX जहाँ से ओरिजिन होती है, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। अगर लेफ्ट मेन पे आपकी ब्लॉकेज है तो हम बोलेंगे पेशेंट को कि ECP आपके लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाईपास सर्जरी ही एकमात्र रास्ता रहता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई माइनर ब्लॉकेज है या फिर RCA, LAD पे या LCX पे कहीं पे मिड या डिस्टल प्रॉक्सिमल एरिया पे ब्लॉकेज है, तो उसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन पेशेंट अगर स्टेबल हो तब, उसके बाद डेफिनेटली हम उसको सर्जरी से बचा सकते हैं। डॉक्टर शेखर, ऐसे कई पेशेंट हैं जिनकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है लेकिन वो फुल सेटिस्फाई नहीं होते, क्योंकि उनमें तकलीफें लगातार देखी जाती रही, उनका सांस फूलना या फिर उनकी जो पंपिंग है वो कम होना, तो ऐसे स्थिति में क्या वो आपकी पद्धति जो आप बता रहे हैं उसको अपना करके वो उससे निजात पा सकते हैं? जी मैम, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारे पास जो हार्टबीट में पेशेंट्स हैं, वो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स होते हैं आफ्टर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी के बाद ही आते हैं, क्योंकि एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी तो उनका हो जाता है, लेकिन इसके बाद जो कंडीशन निर्मित होती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर। क्या होता है, जिस टाइम पे हम एंजियोप्लास्टी करें या बाईपास सर्जरी करते हैं, तो हम उसको तुरंत ही उसके हार्ट के मसल्स को वैसे पुराने जैसे शक्ति प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी, जिसे हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, नॉर्मल से कम हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हम अपने यहाँ कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। तो क्या ये मान सकते हैं जैसे हृदय रोग के जो रोगी हैं वो अक्सर अपने हृदय के रुकने, यानी कभी भी ये डर सताता रहता है कि उनको कब अटैक आ जाए या कब उनमें, डॉक्टर पहले इनको यानी वो रहने बचाव करने के लिए बोला रहता है, तो ऐसे पेशेंट क्या आपसे संपर्क करके ये पद्धति अपना सकते हैं कि ब्लॉकेज जब बता देगा डॉक्टर उसके बाद ही उनको अपनाना है? जी नहीं, अगर आपको देखिए, अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है, ब्लड प्रेशर है या फिर हार्ट अटैक का, हार्ट फेलियर का हिस्ट्री है, तो आपको ज़्यादा अवेयर होना चाहिए, आपको अपने सेहत का ख्याल एज कम्पेयर ज़्यादा रखना चाहिए टू अदर पर्सन। और मैं बोलूँगा, अगर किसी पेशेंट्स को डायबिटिक है, ओबेस है, उनका लाइफस्टाइल सही नहीं है, उनकी जो डेली जो रूटीन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो उनको अपने लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो हम चाहेंगे कि आप कुछ जो एसेंशियल पैरामीटर होते हैं, नेसेसरी पैरामीटर होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो पहले कराइए, उसके बाद आप हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पे एनरोल कर सकते हैं। तो हृदय रोगी जो आपके यहाँ पर इस पद्धति से अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनकी सिटिंग बेसिस होती है या फिर एक बार में ही उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता है? जी नहीं मैम, ये एक्चुअल में देखिए, आपका जो ब्लॉकेज बना है ऐसा तो नहीं है कि आप एक बार में बना है, ब्लॉकेज बनने में आपको एक लंबा प्रोसीजर लगा है, और ब्लॉकेज जिस दिन पूरी तरह आपकी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो ये बनने में जिस टाइप का प्रोसेस लगता है, तो हमें भी ट्रीटमेंट करने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन अगर हम जो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट का जो टाइम है वो है 35 to 40 hours। 35 to 40 hours कहने का मतलब होता है 1 hour पर डे, लगभग 35 to 40 days का ट्रीटमेंट है, जिसपे हम पेशेंट को एजुकेट करते हैं, देखते हैं कि उनका क्लिनिकली डायग्नोसिस क्या बन रहा है, उनका क्लिनिकली क्या क्या कंप्लेंट्स है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है कि उसको कितने दिन का ट्रीटमेंट लगेगा, बट कम से कम 35, मैक्सिमम आप 40 डेज का ही ट्रीटमेंट होता है। तो उनको न्यूट्रिशन की सलाह मानना उनका अनिवार्य है? जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि जो ECP है, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सपोर्टिव मेडिसिन है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं करेंगे, अपने खानपान में चेंजेस नहीं करेंगे, तो आपको यह बीमारी फिर से होने की चांसेस, संभावनाएं रहती हैं। चाहे आप ECP कराओ, चाहे एंजियोप्लास्टी कराओ, चाहे बाईपास कराओ, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना अति आवश्यक है। हमने इस एपिसोड की शुरुआत ही की थी हृदय दिल से, तो अब आप दर्शकों को बता दें कि हृदय संबंधी रोगों से कैसे बचें और हार्ट अटैक उनको ना हो, ऐसा क्या खान पान अपनाएं और अपनी दिनचर्या कैसे रखें, दर्शकों को बता दें।
मैं सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, यदि आप हृदय रोग से मुक्त होना चाहते हैं या फिर हृदय रोग से ग्रसित नहीं होना चाहते हैं, तो अपने लाइफस्टाइल में कुछ छोटे छोटे चेंजेस हैं जिसे अपना कर या जिसे फॉलो कर आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे कि मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने लिए एक घंटे का समय निकालिए, क्योंकि एक घंटे के समय में आप 35 to 40 minutes आप वॉक कीजिए, एंड जो 25 to 30 minutes बचेगा उस पर आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए। ये आपका एक घंटे का समय हुआ जिसपे आपको माइंड रिलैक्सेशन होगा एवं आपकी एक फिजिकल एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि अगर आपका पेंट आइटम का इनटेक या फिर ईटिंग बहुत ही ज्यादा है तो पेंट आइटम खाना बंद कीजिए। रॉ मटेरियल जितने भी होते हैं, अनकुक्ड फूड होते हैं, जैसे कि चने हुए, मूंग हुए, ये सबको खाना आप ज्यादा अपने डाइट पे इसका इनटेक ज्यादा बढ़ाइए। साथ ही साथ अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग का सेवन करते हैं या फिर चिकन मटन का सेवन आपका ज्यादा है तो इसे कम करिए। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आपको तो रेस्ट्रिक्ट रहता है कि आपको चिकन मटन, अल्कोहल और स्मोकिंग का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको एसोसिएशन में कुछ बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, थायराइड है और भी कुछ बीमारी है, तो उसको आपको कंट्रोल पर रखना जरूरी है। ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, शुगर, ये तो आपको कंट्रोल पर रखना जरूरी है। समय समय पर जाँच कराते रहिए, यही सब जो है फॉलो करिए और अपने हार्ट को स्वस्थ रखिए। डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसे यूथ हैं जो बाहर रहकर स्टडी कर रहे हैं या उनको किसी काम से अपने ड्यूटी या फिर अपने जरूरी काम से बाहर रहना पड़ रहा है, ऐसे अपनी जिंदगी की भाग दौड़ में वन डिब्बा खाना या फिर खान पान पे ध्यान नहीं देना, फिर जंक फूड खाना, इन सब में ध्यान देते हैं, ऐसे युवाओं को, ऐसे यूथ को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसी सलाह देना चाहेंगे कि वो इन सब से बचे? आपका सही क्वेश्चन है, क्योंकि जो अभी हमारा दौर चल रहा है इसमें हमारी हार्ट डिजीज जो है यूथ को ज्यादा हो रही है। एज कम्पेयर हम 10 साल पीछे जाते हैं तो ये बीमारी को हम सोचते थे कि 50 साल 60 साल बाद आने वाली बीमारी है, बट ऐसा सिनेरियो अब रहने गया है। तो इसका सबसे बड़ा मेन रीजन जो मैं समझता हूँ, हरी वरी एंड करी, जो हमारी यूथ है उसको हर किसी काम के लिए हरी रहता है, हर किसी टारगेट को अचीव करने के लिए उनको वरी रहता है, और उनके जो डाइट पे रहता है करी रहता है। करी का मेहनत मतलब होता है कि जो भी उनकी खान पान है वो अच्छी नहीं है, उनकी दिनचर्या अच्छी नहीं है। तो आप हरी वरी करी को अगर सुधार लें तो मैं सोचता हूँ कि उनको किसी भी प्रकार की हृदय रोग नहीं होगी या संभावनाएं कम होगी। डॉक्टर शेखर, अभी आप द हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, ईसीपी पद्धति से इलाज संभव करा रहे हैं और कई लोग संतुष्ट होकर वहाँ से जा भी रहे हैं, तो दुर्ग, भिलाई और प्रदेशवासियों में ऐसे कई असंतुष्ट पेशेंट हैं जो कि हृदय रोग से ग्रसित हैं और तमाम तरह की बीमारियों से डर करके वो अपनी धड़कनें बढ़ा रहे हैं या फिर समझ एक तरफ कह सकते हैं कि ब्लॉकेज उनमें हो रहा है, उनको पता नहीं चल पा रहा है। इस पद्धति को शॉर्ट में इनको बताकर उनकी शंकाएं दूर करें और इस यहाँ पर पहुंचने के लिए एक अपील करें। जी, मैं पद्धति बताने से पहले सबसे पहले जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनसे मैं एक गुजारिश ही करना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल चेंज करिए, अपना डाइट चेंज करिए, अपना डेली रूटीन चेंज करिए, आपको हमारी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या यदि हो गई है, हृदय रोग से आप ग्रसित हो गए हैं, तो हम आपके लिए द हार्ट बीट सेंटर में उपलब्ध हैं, जहां ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज मिली हो, या फिर सामान्य लैंग्वेज पे अगर बोलूं तो फिर हार्ट में ब्लॉकेज मिला हो जिसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो गई हो। पंपिंग कैपेसिटी जनरली उन पेशेंट की कम होती है जिनका एंजियोप्लास्टी बाईपास हो गया या फिर जिसको एक बार हार्ट अटैक आ चुका है। हार्ट अटैक का तो ट्रीटमेंट जनरली कार्डियोलॉजिस्ट हमारे कर देते हैं, उसके बाद जो कंडीशन निर्मित होती है जिसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, उसी को ही हम बोलते हैं हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाना, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाना, इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अगर किसी की हार्ट की साइज जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी हमारे यहाँ सक्सेसफुली किया जाता है। अगर इन सब बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो हमारे यहाँ आइए और अपने क्वालिटी लाइफ का एंजॉय करिए। हमारा एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर श्री मालू मेडिसिन सेंटर, पद्मनाभपुर नहर रोड, दुर्ग। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आप आए, हृदय संबंधी रोगों के बारे में और ईसीपी पद्धति के बारे में विस्तार से बताया। जी मैम, आपका ग्रैंड एशियन न्यूज का मैं आपको थैंक कहना चाहूंगा, धन्यवाद। और मैं आपके दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि आप अपने दिल का ख्याल जरूर रखें।
तो दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ थे डॉक्टर शेखर ताम्रकर, बीएमएस प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट। जी हाँ, ये द हार्ट बीट हेल्थ केयर दुर्ग पद्मनापुर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ईसीपी पद्धति से हार्ट के ब्लॉकेज, पंपिंग, ऐसे सभी रोगों के इलाज कर रहे हैं और कई लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं। अगर आप सब इन रोगों से ग्रसित है और चाहते हैं कि इनसे आपको निजात मिले, तो एक बार जरूर इस पद्धति को अपनाने द हार्ट बीट हेल्थ केयर सेंटर जाएं। अगले एपिसोड में फिर हम एक नए चिकित्सक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।